भक्त बीज पलटे नहीं ओ जी। भक्त बीज पलटे नहीं चाहे जुग पलटो यारे। अरे ऊंच नीच घर जन्म लेवे तोरी वे संति का संते। प्रिय श्रोतो श्री गोगा जी महाराज के पिता को नाम राजा जेवर सिंह। राजा जेवर और नेवर दो भाई हा तीजी बहन गौरी छबिला। दादा उम्र की संतान मेरे आता तो कभी लोग कल्पना है राजा शिवर की धर्म पत्नी माता बाछल बाछल और काछल एक ही जगह बैठी। कवियों की कल्पना है माता बाछल के अंधन लक्ष्मी की कोई चीज की कमी नहीं हुई। चारों चिजारों ढाटो लेकिन सबसे बड़ी कमी के मांगे कोई संतान ही। अब सजनो अंधन मोगड़ो हुए लेकिन सामणियों ने वे नहीं तो कोई काम को नहीं है। माता बाछल भगवान से एक ही प्रार्थना करता है भगवान मेरी सुनी को आप इन्हें भराओ और गढ़ ददरेवे को राज भी सुनो। राजा नेवर जेवर दो भाई है दोनों की औलाद नहीं है महाराज। इसी वादी से ही सुवीरश्याम माता बाछल प्रार्थना किया करता है। तो सजनों हमेशा की बात है भगत कोई भी हो अगर भगवान की सचमुच सेवना करे नहीं तो अवश्य फल पावे। माता बाछल भगवान की सच्चे मन से सेवना करी तो एक दिन से मेरी माई गुरु गोरखनाथ जी महाराज पलक लगाए बैठे तो बांगो सिंहासन जगो डामांडोल होवी। सिंहासन हाल्यो गुरु महाराज मन में सोचो कोई न कोई भक्त जरूर है संकट में है। अंतर ध्यान होकर देखे तो गढ़ ददरेवी के अंदर माता बाछल दुखी नजर आवी। मन में सोचो माता बाछल दुखी है पर सेवना करी है भगवान की लेकिन बिन अजीब फल मिलियो आपा चला और माता बाछल ने कोई न कोई वरदान देगे जरूरी। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सजनों सुनेड़ी एक नमिया के नोके 9 लाख चिला। अरे गुरु महाराज दोपहर एक भाई ने यहाँ पर विगल बजाई। चिल्ला मन में सोचे आज बाबा जी दोपहर क्यों आ नाती बजाई है सेवाल टाइम तो सदा ही बजाया करे। अब सजनों चिल्ला इकट्ठा हो जावे चेला देकर बोले महाराज आज क्या याद करे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज किसी वादी से चेला ने पूछे और कि आपने राम सभा सुन भी कौन महीने बाबो वो रेख जाया जाया चलो
एक गुरुदेव ना नो लाख चेला में तो गुरुजी मुर्ख के गुरुजी चेला नहीं बुला गई और भोजना लगा भी चेलो आप बताओ कौन से में ने बाबू गोरख जागे और कौन से में पल्ल की चेला देखा बोलिया महाराज सावन महीने बाबू गोरख जागे और भादुड़े में आसनी ये चेलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के किताओ थे बोलियो महाराज घणाई अणगणती का कान कटिया को भरी जाता बोले क्या बोले 9 लाख बोले अग्वानी 10 लाख ठीक है आप बताओ आप आगे भी फिरा और पीछे भी फिरा यानी देश कौन सा बलेरा चेला देगा बोलिया महाराज अपना तो पूर्व देश है जिसको बलेरो है गुरु गोरखनाथ जी की नहीं चेलो सबसे भला है पाकड़ चेला देगा बोलिया महाराज पाकड़ देश कोई बलो योगे बोले क्यों भाई बोले महाराज बागड़ देश ने भलोगण करियो महाराज बागड़ देश में ऊंचा ऊंचा टिब्बा है
अर्जदा जैसलमेर गली चालन लाग जनी महाराज मिने मिने इकलारी चाले बंद होने को नाम ही कोर लेनी पोडर अपी लाग दो रे रुतर दो रे बोले नहीं चलो अपा गढ़दत्री यानी बागड़ में चलागा बोले महाराज बागड़ देश में थारो पानी और पी के पानी नहीं गुरु गोरखनाथ जी की भी नहीं चलो बागड़ देश में खारो पानी को नहीं बोले तो बोले बागड़ देश में था ध्यान है कि कुने बोले कुने गुरु गोरखनाथ जी की भी अरे बागड़ रे मायने माता पाछल तापे तो पानी मांगा से दूधी बोले पानी मांगा दूध भवे बोले हाँ अब सजनों गुरु गोरखनाथ जी के 9 लाख जिला जकम के सूरदास जी भी आ पांगो तू देखड़ो को नी आप सरी बातना करे रे बैठा वो गुरु जी बतावे सब दूध किसो पे क्यों सूरदास जी बाऊं तो सहतू दी हुए एक कोई खन्ने बैठे हो बोके भई दूध को देखड़ो की बोले मैं बता दियो दूध किसो को है बोले किसो को है बोले दूध है एकदम दोड़ो दोड़ो बोले दोड़ो हाँ अरे भाई मारे पाऊं तो से दौड़ार से कड़ा है तू सवल इनान सिनान बता बोले दूध वे बुगले जिसो बोले दूध वे दोड़ो दोड़ो बोले दोड़ो किसो कुए बोले दोड़ो वे बुगले जिसो अब वे सूरदास या वे देखे बोले बुगलो किसो कुए वो तो बता अब इनको हाथ पकड़ियो कहे इसो हुए बुगलो बोले वाह गुरुजी वो दूध जे पी लियो नी तो बिंगो तो फेल होती ने गणेशी ओ गति पीजिया करे आगे ओ तो थी पियो मैं तो आज भी आने कोई गुरु गोरखनाथ जी देख बोलिया नहीं चलो झोली चिंडा थारा बगल में गालियो चलो आप भागड़े रे माई नहीं चलो अब सजनो चेला देख बोलिया महाराज सच्चे तो कमी है प्रभु कवे ना जके की खाऊ बाजरी भरो बिंगी कोई नहीं चलो अब सजनो किसी वादी सी गुरु और चेला गढ़ ददरी में आवे कि अपनी राम सभा सुनवी झोली तो झींडा झीला गाल्या बगले चला ओ चला चला मई आवे ओ
बोल जय रवि महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। प्रिय श्रोताओ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे चलो झोली चुना थारा बगल में ले लो, चलो यापा गढ़ देवी में ही। अब चेला ऐसे कहा झोली झुंडा बगल में घाल गई और एक दो वासो मार के बल्ले में तीजा वासा गढ़ दत्रे में गई। गढ़ दत्रे में के मायने राजा नेवर और जेवर को नो लखो भागो विभाग में आ गए और जोगी राजा धुना लगावे कवियों ने किया है। अरे पेड़ पेड़ में जोगिया धुना लगाया सुक्योड़ो बागो जगो हरियो होई गूगल की मेकार से बाग सुक्योड़ो सजनो वो एकदम हरियो हो जावे। दादा और पपैया बोले तो कोयल सोरी सोचावे। अब कई दिन बीता गुरु गोरख महाराज मन में सोचो अरे आया जगो काम तो करा। अब एक पांच पाना को बीड़ो बढ़ा गई चेला बैठा 9 लाख चेला जो बीड़ो बढ़ायो वो फेरी। अरे गुरु गोरखनाथ के 9 लाख चेला बीड़े के घले को नहीं बीड़े के बार बार फिर लाग गया। एक छोटी सी अवस्था में मारे प्रवीणाल त्रिया कटी मन चेलो बोले गुरु महाराज रो ना और गिरते बीड़े ने के शिलाम ले भी ले गए शिलाम। गुरु गोरखनाथ जी के पाए लाग गया बोलो गुरु जी क्या बीड़ो बनायो है। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे चेला तू अभी टापर है तेरू मोटा बड़ा गणाई बैठी है। बोलियो महाराज मोटा खेजड़ा ही गणाई हुए थे काम है सबको बताओ नहीं। गुरु गोरखनाथ जी देख बोलिया चेला आप इस नगरी के अंदर जाओ और शेर पाव पानी ला के ओगड़दास जी महाराज झोली चिटा बगल में गाले वे और के चाल्या चाल्या नगरी रे मायने आवी। अरे एक गिर फिरिया जोगी दो गिर फिरिया तो घर तो पाछल गे चाल्याई आवे। पाछल मांगे पोलिया में आगे आवाज लगावे आले खतरा चंदरी कार ज्योति स्वरूपी दीनी आले की बात सुनी माता पाछल जिंटे मरे मायने नावण लाग रिया बे आवाज मायने सीधे वे। अरे जोगी तू आगो भी नहीं आई और पाछो भी नहीं जाई विक्षा लेगे वापिसी। अबे माता वासल सजनो ना दोगे किसी वादी से चाले और क्या जोगी ने विक्षा दे बनावे के आगे की लीला जरिते तो कैसा माता पाछल चाली री अम्मा पाछल चाल्या रे आ
दस्यो कुआ जोगी कुआ जुड़ाया जोगी अरे जोगी नाल बंदियो यारे मिठो आड़ी दिया रे एक खेली तो कोटा सारा अब छड़ भरिया भरिया बाल गुरु अर्घनाथ जी महाराज की प्रिय श्रोतो कवि लोगों की गल बनाए माता बाछला चिंद्रिया ना दोगे जरता कैसा चाले चाउल मुंगरी विक्षा लागे के वे मांडो जोगी थारी जोगी जोगी सर चाउल मुंग ने देगे किन लगया हे मां चावल मुंग मेरे लिए कंकर पत्र है बोले तो हे माता माने आप या काम करो शेर भाव पानी गालो मारा गुरु महाराज से गाती छे माता बासल किन लगी रे जोगी पानी माया शीतन दूध पाऊ तो मारी नगरी को खारोई पानी है ये जोगी मारी नगरी का साठी का कुआ अरे पानी है जगो जद डोलांगा तो मीड़ पड़े नी जद बारो आवे अरे बोई खारो पानी है ओगड़ना जी करने लगे हे माता जी खारे से मीठ हो जावे बोले जोगी ओई तो उसके नी बोले माता नगरी का कुआ गट है अब माता बासल जोगी ने कुए के नजदीक ले जावे जोगी सिर करने लगे हे मां गुरु गोरखनाथ की आन फिरेगी और खारे से मीठो पानी होवी अब सजना जोगी सिर गुरु ने मनागे काचे सूत से कुआ जोड़ावे नाल बदियो मीठो पानी आवण लागी अरे खेली कोटा सारा अब चल भरिया तो बगे पानी की पणी यारियां पणी यारियां बगन लाग जावे गली गली री माई नहीं और खेली कोटा सारा अब चल भर जावे माता बासल मन में बहुत खुशी मनावे ऊंची डागड़े पर चढ़ गए सारी नगरी में आवाज लगावे नगरी को दूध है जिसको मंगवाई लेवे कवि लोग आ रही गल रहे जिन टीम ने माई नहीं नगरी को दूध मंगावे जोगी सर दूध ने देखे कहने लगे माता ओ दूध बोले हाँ जोगी यो आप ही पियो और थारे गुरुआ नहीं जोगी सर कहने लगे माता इतो दूध महंगे को टैंकर जोड़ के थोड़ी ले जो को ले जाओ बोले तो बोले माता मारकन तो तीन पाव की तुम भी है ये तुम भी में डाल दो माता बासल कहने लगी जोगी कोई लोटो एक दो थोड़ी है तुम भी में डाल दिया बोलिए माँ तुम भी में डालो तो सही अब तुम भी नहीं बसना से मान दी के जारी तोड़ूंगा मरोड़ूंगा फोड़ूंगा तालवे गड़बे से उनकी मनाई गुरु गोरखनाथ की अब सारो दूध भी तुम भी में डाल दियो फिर भी तुम भी गड़बे से ऊंची कोनी माता बासल मन में सोचो है तो कोई सच्चे गुरु का चेला ओगड़नाथ जी कहने लगा हे माता थे मन दूध तो गाल दियो अब यह काम करो ठंडा वासी टुकड़ा दो बी थारे टाबरा का अब टाबरा रो नाम लियो तो माता बासल की काया थर 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 कांपने लागी माता बासल राउंड लाग जावे कलपन लाग जावे जोगी सिर के भी ही माँ आप रो क्यों कारण की है हर कुन कोई अंधन तो नहीं मांगी वे बासी टुकड़ा ही तो मांगे इतने में आप राउंड लाग गया माता बासल कहने लगी जोगी अरे हरे हरे जिंदगी कोपगी मेरा बागे
जोगी जोड़ रही में आते। हे जोगी राजा मेरे कोई संतान ही कोनी झूठा टुकड़ा की गा देऊं तोई तो के माता बाछले रोण लाग जावे कड़पण लाग जावे। जोगेश्वर की भी माता आप रोणो घुगड़ो बंद करो थे कौन कौन सा जोगी है माने नाम बताओ तो ओगड़ना जी महाराज किसी में से पूछे हम या अरे साच बता दे माता बाछे लाए मैया तोड़ जोगी सिया रे अरे पाड़ारो नाम ना ले रे मेरा रावण जोगी रे पाड़ारो नाम ना ले रे छाती भरी जे हिवड़ो यो रे वो मारो जीघ बिरावे हा छाती भरी जे हिवड़ो यो मेरी छाती भरी से हिवड़ो और घंटे माई नहीं ओगड़ना जी गण लगे हे मां थी कौन कौन सा जोगी सिया माने नाम बताओ बोले गणाई सिया बोले की सा किसा सिया बोले मैं सेवानाथ जोगी सिया सेवा में फड़ को नहीं लकड़नाथ जोगी सिया तुम्हारी लकड़ बन गई काया पीर पकंबर ओलिया सारा नहीं शेलिया लेकिन मारे कोई संतान कौन है। ओगड़नाथ जी कहने लगे माता आप गुरु गोरखनाथ की सेवा लागो मारा गुरु है मन विश्वास है कि थाने जरूर वरदान। माता बासुल कहने लगे गोरख जी बोले हाँ बोले बेरे कटे बोले आप बहुत तकड़ो मुक्को है बोले क्या बोले आप थारे कन्हैया अड़े पूछ लियो बोले कटे तो ओगड़नाथ जी महाराज किसी और सीख वे देखो ये थारे तो बागा में माता गोरे की जोगी आया रे हरी रे बागा में माता गोरे की जोगी आया रे गोरे की जीरी सेवा में आया ला की जारे Oh,
जी कहने लगे माता अरे बागरे महीने बाबो गोरखनाथ जी आड़ा है आप जाओ और गुरु गोरखनाथ की सेवा लाखो माता बासल ना दोगे थाली सजा के थाली में भोजन पुरुष के और हरि बाग में जावे जिंटे महीने बाबो गोरखनाथ जी महाराज पलक लगा रखी मांगे जागे देगी प्रगम्या और के पाए लागी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कवि लोग सुनियो नहीं है कि 12 साल की पलक लगा रखी माता बाचल रोजान जाऊं ता के पलक लगाई होगी सजनो 12 साल कोई भजनिया के 12 दिन करी सेवा कोई के 12 घंटा करी कोई के 12 साल करी अब ए तो बड़ा किसी सच्ची अलग अलग पुस्तक में अलग अलग बखान करियोड़ो है कवि लोग की कल्पना है 12 वर्ष बाद में गुरु गोरखनाथ जी महाराज पलक खोली तो आगे माता बाचल बैठा ओगड़नाथ ने कहने लगे अरे बेटा तन भेजियो तो लाला पानी लेवण हो तू ही बुढ़ली माने सागे क्या ले गई वे बोले महाराज सही बूझ लियो अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज पूछे ही मां कैसा तो है दुख सूख रहा मुख कहो मोए माई थारे सिर पर फेर दियो हाथ गुरु तप दारी माता मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया बोलो आप में कौन सा दुख है मैं आपकी सेवा में प्रसन्न हूँ माधा बाचल हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज राजा नेवर और सेवर दो भाई है और गढ़ ददरेवे गौ राजा है लेकिन मारे कोई अजय संतान को नहीं हो महाराज मन सासन दे बोले बोलना और बोले माने उल्टा सीधा बोले महाराज मन माजड़ किए के बदलावे अगर एक आधो संतान हो जान दो तो बांसड़ को मेणो तो मिट जान दो हे महाराज मारो राजपाट भी सुनो है और मेरे मुंह देखे रो धर्मी बोले हे महाराज आप बड़ा दयालु लोग हो संत लोग हो जरा सी मार पर कृपाई करो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे हे मां जरूर कृपा होगी लेकिन आप अभी चले जाओ आपको वरदान ब्रह्म मिलेगा सुबह 4 बजे आइयो माता बाचल ने इतनी बात कही तो माता बाचल की उदासी जी की मुख की सारी दूर होवी हंसती खेलती आपरे महल में आवे तो माता बाचल हंसती खेलती देखा माता बाचल ने माता बाचल की बहन कुणी सजनो काछल बात थोड़ी तरकाय ज्यादा ही बड़ मन में सोचो ये बाचल ने कभी हस्ती खेलती देखी कोनी आज इनके अकेला दियो एक नहीं हस्ती खेलती अवे खने जागे बुझे ए बिना आज क्या सो के मजा की बात है अब बाचल सारी बात बता देने के हरिये बाग में बाबा गोरखनाथ जी आड़ा है मैंने 4 बजे बुलाई है मैंने वरदान दिसी पुत्र को क्यों बाचल के मन में कोई पेट पाप हो कोनी बात तो सारी बात बता दी लेकिन काचल के मन में दगो जावे कवि नहीं जाओ अरे बाचल मन की भोलती बाचल मन की भोलती और ये बात दी बताए सुन की बात काचला मन में ते गोलियो यपे नाए मां सुनी बा चल गई मन में दगो अपना लियो के भी यूं पहला वरदान ना पा ले लिया जी अन वरदान ले लियो
तो तेरे तो कोई संतान हुए कोने, जे तेरे संतान है उसी तो तेरे लो बस आगे जावे कोने। अब सी मौको है, अब सजना बंग बिना बिना की दोनों की एक सी शकली बासल ने बुलाईडी तो 4 बजे काछल करियो के काम दिन का 3 बजे जिया बासल जाऊंती पिया गुरु गोरखनाथ जी के धुने जावे और जागे देगे पर कमियां पाए लाग जे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मन में सोचो के भी बाछल ने बुलाइए जना बाछल ये बे मन में ये क्या सोचा भी आ बाछल की बहन काछल। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे बे ए माता थाने बुलाया तू 4 बजे थे 3 बजे आ गया। बाछल कहने लगी महाराज वरदान है कोडा नींद ही कोना इज ना की काछल बाछल बनेड़ी काछल। गुरु गोरखनाथ जी बोलिया ठीक है। अब गुरु ने मना गए और झोली में से दो झोका दाना निकाल के दे गए काछल ने देवी। काछल ने कहने लगे हे मां आप इन दो झो का इस्तेमाल करो आपकी दो जोड़ा अवश्य होवी। हे माता प्राक्रमी योद्धा होएगा नाम अर्जुन और सजन रणवे। अब सजनों गुरु गोरखनाथ जी महाराज बाछल के भरोसे काछल ने वरदान दे देवे। काछल वरदान लेगी महल में आवे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मन में सोचो के भी वरदान देवन आया है अब वो वरदान दे दियो मठ अपनो के काम है अगली नगरी चलो। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ऐसी मन में सोच के जोड़ी चिंडा समेटा। इतने में 4 बज गया। बाछल मन में सोचो के भी 4 बज गया है बाबा जी बुलाया है चलो। अब बाछल सजनों बैठे गोरख धुने पर आवे। इतने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर होवी। बाछल माता खोजा खोजा चले जागे आवाज लगावी महाराज वादा किया सोनी वानाई थी मेरू वादो करियो मन वचन दियो के 4 बजे वरदान दीशु रब वीर होया। गुरु गोरखनाथ जी देख बोले माता अभी तो दो जोड़ा को वरदान दिए हुए का वरदान को ज्यादा लोभ हो गयो। माता बाछल देख बोली महाराज मन वरदान का दिए थे बोले अभी तो दो जोड़ा को वरदान दिए बोलियो ना महाराज मन वरदान को दियो। गुरु गोरखनाथ जी देख बोले माता झूठ में फायदो नहीं है अरे ज्यादा लोभ हो गयो की न्याल कृषि तुम्हें दो जोड़ा गणाई है। बाछल माता हाथ जोड़ के रोवन लागी महाराज मैंने वरदान नहीं दिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मन में सोचो इया थोड़ी हुए। बाछल कहने लगी महाराज थाने दोष कोनी मेरे कर्म में संतान लिखियो डई कोनी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अंतर ध्यान को देखे मन में सोचो धोखो हो गयो वरदान देनो बाछल ने दगो करके ले गई। तो जको वरदान बाछल के लियो वो तो काछल ले गई। अब और वरदान यूं कोई प्राक्रमी देवा। अब गुरु गोरखनाथ का सजनो गुरु कुणा मच्छिंद्रनाथ मच्छिंद्रनाथ ने याद करे इतने के बटे मच्छिंद्रनाथ पहुंचे जावे। मच्छिंद्रनाथ जी आगे देख बोले बेटा क्या बुलाये वे बोलियो महाराज ओड़ी पड़ी से नहीं बुलायो बोलियो क्या बोलियो मेरे साथ धोखो हो गयो बोलियो क्या बेटा तेरे साथ धोखो करने वालों कौन है बोलियो महाराज वो देख लियो यो पड़ियो बोलियो क्या यो है बोलियो वरदान देना तो बाछल ने अरे धोखो करके ले गई बाछल। अब थाने तो यहाँ बुलाया है बाछल ने वरदान दियो बोलियो तो बेटा तू दे दे बोलियो जगे वरदान की सेवना करी बाछल वा तो काछल ले गई। अब बियो कोई पराक्रमी वरदान दियो बोले बेटा पराक्रमी की क्या जरूरत है बोले महाराज आई तो बात है नहीं बोले क्यों बोले महाराज दो जोड़ा को वरदान दी है मैं काछल ने बड़ा पराक्रमी सूरवीर जन्मेगा। अब बाछल ने बहु चार चांदा चढ़ तो वरदान दियो जत तो है बात को आनंद बोलियो आ बातियां किए हैं बोलियो महाराज बा कहावत सुने डिए के थारी बोलियो किसी बोले अपने है नी के इसी इंट का खोरा इसी माँ का खोरा जद बा काछली बली कोन कोई तो बिगा जायडा भला उसी के कदी कोनी वे महाराज आप यहाँ काम करो कोई प्राक्रमी वरदान दो जो को बांधो ना जोड़न दाब सके नहीं तो महाराज बे तो काम सोई घर से क्यों सजनों पूत का पग पालने में जाना गौरे नहीं।
मस्जिद ना जीते बेटा बात वाई सही है तेरी लेकिन इस उम्र का लिया कठू अब दोनों सोच विचार करता रहा मच्छिंद ना जी देख बोले बेटा वो कहने मांगिया मुड़ा कौन दे मुड़ा देसी रात है और तो प्राकर्मी वरदान है नहीं राजा बासक हैं उनके शेष पुत्र हैं अगर एक आध उठा लिया जाने तो बिता मन के ठा अपने रावणों काम है निकल जी अब दोनों गुरु चेला प्याला में जावे राजा बासक सुत्या बटू धीरे सी के एक बच्चों उठा के ले भी नागरी जागी आपके बच्चा न संभाले तो एक बच्चो लादे एक बच्चो नहीं मिले नागनी मन में सोचो एक बच्चो के नियो अब इन बिन पग देखे तो पग बढ़िया मारे गणेश भाई जी का सही के लिए अब आप पगे मगर मगर किसी आदि से फुकारो मार के दोनों नाग और नागनी चाले और क्या बाबा जी नावड़े के आगे लीला अरे ते हबोड़ा नागण चाले जिसने पकड़े कोई रे दे हबोड़ा नागण चाली जिसने पकड़े कोई रे वो जिसने पकड़े संत सूरमा और पर शीश नायो है साल की फिल बनिए छिण में उड़ जा सोई रे वो इन काया में भूल गणिए तिरणा किस भी दे बिना लोई रे काया में चार सोर का हाड पास बिना लोई रे सब दुनिया ने मारे हटा दी आज ये सफर नाई होई रे सब दुनिया ने मारे हटा दी आज ये सफर नाई होई रे नागुर नागनी साले गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी आगे भगा बा मन में सोचो के भी नागुर नागनी आ गया वस्तु खोसी अब मन में सोचो ये वस्तु तो लोगो त्या अब पास में खेजड़ी खेजड़ी भी खेजड़ी ने जाके कि वे खेजड़ी मैं थार में एक वस्तु रखा खेजड़ी करने लगी महाराज एक रखो दो रखो तीन रखो बोलो या नहीं एक ही रक्षा लेकिन मन वचन दियो मैं वस्तु रखा तो आप मन नहीं देनी है तुझे ना दियो चाहे कोई भी आ जावे खेजड़ी करने लगी ठीक है महाराज वचन है धनी देशा अब बाबू जी पास में जाके बैठ जावे नाग और नागनी आगे कहने लगे महाराज है बड़ा दिन हो गया थाने चोरी करता ने बोले के बात भाई बोले पक्की गए बाबू जी देख बोले भाई जुगत संसार है सारा गई पके बोले इया नहीं बोले तो अभी चोरी कौन कर लिया थे बोले बाबा मैं से चोरी करता तो महात्मा थोड़ी ना बनता बोले महाराज आजकल महात्मा इंडकली दे बोले नहीं भाई मैं चोरी कौन करी मैं तो काम हूँ आठ फोर ठंडा वासी टुकड़ा मांग लिया खा लिया मैं लाडी थारी चोरी कौन करी बाबू जी ने बार बार की वे बाबू जी नहीं सच्ची बतावे अब पास में खेजड़ी भी सुगंध आवे नागनी जाके खेजड़ी ने की वे खेजड़ी मारी वस्तु थरकने आ सुगंध आवे मारी वस्तु दियो खेजड़ी दे के बोली ना रखी के थे बोलियो रखी तो कोनी अगर थारी रखड़ी है तो ले लियो महाराज नहीं तो मेरे में वस्तु बहुत है मैं किन किन दूं हां बोलियो नहीं भाई मारी वस्तु थरकने बोलियो नहीं महाराज मारकन वस्तु इसकी थाने आज मिले ने कोई काल है अब सजनों बार बार खेजड़ी निकेवे खेजड़ी वस्तु नहीं देवे नागनी देख बोली खेजड़ी या तो मारी वस्तु दे दो नहीं तो थारे तन तन के अंदर कोड होवी खेजड़ी देख बोली महाराज वचन लियो डह चाहे कोड हो चाहे कोड गो बाबू आ वस्तु थाने कोनी मिले अब सजनों
नागनी शराब दे के वापिस आपके धन मगान चले जावे। अब वैसा की बात है सजनों, खेजड़ी की भैया टीडा सा लगे नहीं है बोरिया सा बेके नागनी को शराब लागे है। अब बाबू जी आ गए कहना लगे खेजड़ी मारी वस्तु अब मान दे दियो। खेजड़ी देगा बोली मारा शाना तो बहुत होती। बोले क्या? बोलियो शराब पड़वा की तो मना के करती वस्तु लेने मिनट में आ गया कोई वस्तु कोनी नहीं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मन में सोचियो बांग नु पेंडो सुदायो तो आगे जमणगी। अरे खेजड़ी की वस्तु देवे ही? बोले महाराज एक शर्त है। बोले के शर्त है? बोले शराब तो नागनी देगी अगर थे कोई न कोई वरदान दियो नहीं तो मैं वस्तु थाने दे दूं नहीं तो आज मिले न कोई काल है। बाबूजी देगा बोले साहू खेजड़ी थाने वरदान दे दूंगा शराब तो मुक्त में नहीं कर सकूं मैं आपको वरदान देऊं ये कलजू के अंदर देव बनेगा इंगी पूजे जगी खेजड़ी के तलाई पहला धजा तेरी बांसी बाद में जाहिर वीर गोगा वीर की पूजा। अब सजनो हमेशा की बात है लगभग जटे गोगे जी रो थाने बट खेजड़ी जरूर है। अब सजनो बाबू जी वो वस्तु ले गई माता बाचल ने आगे देवे हे माँ आप ये वस्तु ले हो आप इस वस्तु का इस्तेमाल करना आपके जहर वीर गोगा फिर होगा काछल तो करीवे नहीं तो को जका बिना जोड़ा है नहीं बांगी इंगे हाथों से ही मोती पर तू एक बात को ध्यान रखी आ वस्तु एकली ने खाई तेरी जीती भी सातन शैल है जगह में कोई संतान नहीं हुई है माने भी आ वस्तु ही ऋणी है। अब माता वासल वो वस्तु ले आ गई आपके महल में आवे तो सजनों वह वस्तु किन किन देवे एक तो नीली घोड़ी ने देवे बिंग श्री गोगा जी महाराज की अश्वारी के लिए शीतल घोड़ो जन्मे बांदी ने देवे तो बिंग जन्मे रतन सिंह ब्राह्मणी ने देवे तो बिंग जन्मे दादा चमारी ने देवे तो बिंग जन्मे भजू आपके तो जाहिर वीर गोगा जी जन्मे यहाँ तो ये गोगा जी के सगे आगे अवतार होयडो है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से। अब जिंदे महीने गोगे जी महाराज ने नौ महीनों लगे बीटे मेरे महीने काछल मन में सोचो इंग तो संतान जरूर होसी जे इंग संतान हो गयो तो आधे राजपाट को धनी अजी मुकु है इंग संतान ना वे यूं पिलाएंगे टिकट कटा दियो। अब सजनों ऐसी मन में सोच गए राजा जीवर और नेवर की बहनी कौन छबीला छबीला ने देख के बोलिया नर्द भाई साहब मारो एक काम कर चोगे। बोलो के बोलो काम हो है अब बात से लेनी इन किया ही करके देश निकालो तेरा वो तो पार पड़े। बोले वाह भाई वाह आखिर ठीक बात है वो तुम्हारे दया तो खेले। अब सजनो जियामणी राम सभा बैठी है यहाँ राजा जेवर और नेवर की कचेड़ी बैठी जुड़ी तो भरी कचेड़ी नहीं वाई नहीं किसी वादी से कवरी छबीली चुगली करे और के आपनी राम सभा सुनवी अरे भरी तो कचेड़ी राजा दे जेवर की पीठी री दादे उम्र की पीठी रे जाने
बोली जय वीर महाराज की जय हो। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। कवि लोग हरि गर्भ ने सजना भरी खिचड़ी राजा जेवर और नेवर की बेटी और सारो बैठो परिवार। अरे भरी खिचड़ी री मायने कंवरी छवि दी सागे कहने लगी अरे भाई साहब है अठे बैठिया क्या गो न्याव चुका होते महाराज अठे क्या खतर बैठे हो के चीज को न्याव चुका हो। राजा जेवर देख बोलियो भाई न्याव तो नगरी को ही है। बोलियो महाराज नगरी को बाद में चुकाया न्याव पिला थारे घर को तो न्याव करो। बोलियो क्यों के बजागी बात है। बोलियो महाराज बात अट क्या की है सात वास चवाणा का लाजे और लाजे सारो परिवार है। अरे आपने चवाणा माई शर्म घणी है और पाछल शर्मी बोले पाछल शर्म कमावे। बोले हाँ क्या भाई शर्म क्या कमावे। बोले महाराजा पाछल रह कटे ठा है कितने। बोले कट रहे। बोले दिन दिन तो आप मेला मरे वे जिद सांझ पड़ जानी जिद बागा गई हे महाराज बागा में जावे। बागा में जागे जोगिया का धुना शिवे या जोगिया री शक्ति लागी है। अरे कोई तो जोगी स्वामी ऐसो मिलेगो गाल झुड़ी में बगी जद ठीक नहीं शोगी सारा को नाक डासिया जेवे तो इन या तो मार दो या जमीन में दबा दो या देश निकालो दे दियो सारा बुढ़िया काम वो है कि ने पीवर भुगा दे हो। राजा जेवर देख बोलो के विधि से इन पीवर भुगाऊं क्या देश निकालो दे हो। अब सजनो चुगली करे नी बिन विधि भी याद हुए गौरी गाने लगी भाई साहब विधि तो मैं बताती हूँ। बोले बताओ आप यहाँ काम करो झूठा सासा कागज बना लियो बिमिया लिख दिया के थारे भाई को ब्याह है और कुंकू पत्री बना के इन वन उजाड़ में छोड़ियो जथे ब्याह को नाम ले सुनी तो रानी पगा उबनी त्यारी होजेगी। राजा जेवर देख बोले बात तो सही है। अब सजनो झूठा सासा कागज बनावे माता बाछल मेला में बैठा माता बाछल ने आगे पहुंच गई सुनावे। माता बाछल ने कहने लगा हे रानी सा थारे बिरे को ब्याह बन गयो और थाने थारी मां साई बुलाया हे रानी सा थारे पीवर रूम परवाणो आयो वे। माता बाछल पीवर को नाम सुनियो तो पगा गए घुघरिया बंदी जावे। बोले भाई आज बहुत दिन हूं याद करिए पीवर आला भाई को ब्याह है। बोले हां तो के राजा साला बा राजा जेवर देगे। बोले भाई पहला थे चलो मैं तो फिर पावना रे ज्ञानी रात जो काल दिन आशा तारा सही रात है पेंड बजा ले गए पहला थे जाओ। रानी सकने लगी महाराज माने कोई बात नहीं पहला भेज दो पर यहां करो अस्क्री राजा की रानी हां सूर्य देन का बेल बगाओ जुनोड़ो रथ श्रृंगारो आटा उबा पर्दा लगा गे फिर मारे पीवरी राजा जी उड़ देगा। बोलो ठीक है अब सूर्य देन का बेल बगा देवे आड़ा हुआ पर्दा लगा दे माता बासली माया बिठा गए भाड़ेती हो भाड़ेती भी भाड़ेती निकलने लगा इन कोई सर से पटन भुगानी है इन कोई बात जटे बारह कोस की बांगनी उजाड़ लगे नी बटे छोड़ गए वापिस आवी वापिस ने आस के आ इसी जिया छोड़ गानी है। बोलो ठीक है अब सजनों वो कह नहीं सकेगी खावे बाजरी भरे बिगी हाजरी अबे बाड़ेती अजला मजला रत ने किस्माती से टोरे और किया बावनी उजाड़ में छोड़ गया वे किया भगे लीला बने भी अजीला तो मजला भाया रथ डेन टोरियो रे माया रथ डेन टोरियो रे हाँ हाँ जी रे चला चला
श्री मोड़ी लेके ताकि
चंद्र भगवान की सचिद्वार की जय हो। कभी लोग हमारी कल्पना सजनों जिन टीम ने भाई नहीं अजला मजला रथ ने टोरे आगे रथ को बाड़े थी बैठ जावे एक बन टिपियो रथ दो बन टिपियो तीजे वन में आवे तो तीजे वन रे माई नहीं बारह कोस की बावनी उजाड़ लागे नेड़े तेड़े कोई बशु नहीं दिसे बाड़े ती मन में सोचो के भी बारह कोस की बावनी उजाड़ है राजा क्यों के रथ ने छोड़ना है तो रथ ने आगे टोर गए और बाड़े ती के वापिस आपके घर ने आवी वापिस आवे रथ चाल तो रे हो चाल तो रे हो जद दिन छिपियो नी तो रथ तो सजनो धीमो नहीं हो रथ रुकियो माता बाछल रथ में बैठिया आवाज लगावे अरे बाड़ेती ओ बाड़ेती रथ क्या रुकियो भाई अब सजनो बाड़ेती हुए तो बोले आगे बाड़ेती नहीं हुए माता बाछल बारे निकल के देखे तो बारह कोस की बावनी उजाड़ बिच बिलारो माता बाछल मन में सोचो बाड़ेती के नीचे चली गयो अब सांझ हो जावे सूरज आ जावे अब माता बाछल बेलिया ने चुगो पानी करने के लिए छोड़े तो फोड़गी प्याला से एक बासक चाल्यो बम्बी से बारे आवी बम्बी से बारे आगे बेली एक डंक लगा देवे तो बेलियो मूर्छित होवी डावे धोरी के डंक लगायो बेलियो मूर्छित हो जावे माता बाछल रथड़े में बिठिया कड़पण ला गया बा भगवान बा आसी गीते दोको तो मारसा के सासराला कर लियो तू तो ना करे मारे तो चलो कोई नहीं कर्मा का डंडे लेकिन अन बेली बिचारो तिरो के उजाड़ कर दो रोण ला गया कड़पण ला गया भगवान ने अरदास करी अरे डूंगा डीर डरावना सही डूंगा डीर डरावना और बीच में सुरिंगी बूरी पीवर और सासरो प्रभु दो नूरी क्या दूर हे भगवान अद बिचाले ले आगाची छोटी है ने तो प्यूर जान जो छोटी और ने सासरे जान जो छोटी अब माता बाचले रतने में बेटे आकड़े पड़ ला गया निर्णा में नीर भावे गोगो जी महाराज गर्भवासी आवाज लगावे हे माता आप रहो ना कल्पना आपकी शिष्य मोड़ी दिए गए तांति बांधो और गुरु गोरखनाथ ने मनाओ माता बाचल शिष्य मोड़ी लिए गए तांति बांधे जिन टे मेरे माई ने बेली वेज को छबा छब नाचन लाग जावे बेलियो सर जीवन हो जावे माता बाचल बेलिया ने लिया गए रथ के जोड़े रथ के जोड़ गए सर से पटन खाने जावन लाग गया बी टेमरे माई ने गोगो जी महाराज फिर आवाज लगावे हे माता आप नानी रे नहीं जाओ बोले क्यों बोले नानी रे मैं जन्म नहीं लूंगा बोले बेटा कारण आप गढ़दद्रीवे चलो मैं गढ़दद्रीवे को राजा बनूंगा और मैं गढ़दद्रीवे में जन्म ही लूंगा माता पास लेकर लगी रे बेटा गढ़दद्री वाला तो अपन तक धोखो करके निकाल ही दिया अब ओ मूल एक बड़ थोड़ी चला बोले चाहे माता कुछ भी हो अगर आप नानी रे चाहे 12 साल रह जिया मैं जन्म नहीं लूंगा माता बाचल की वे कारण की है अरे तो किसी वादी से गोगो जी महाराज की वे रिक्तियां गण ददरीबे में माता बाचल रत्न ले गए साहिब तेरी साहिबी रे प्रभु सबग तेरे समाए एक झूमी दिशे पान जू फिर लाली लखी ना साई नानी रे जाए मैया नानड़ियो केवे मेरी माता नानड़ियो केवे रे
आए मिया नानड़ियो के वे
बोलिया वो ये बेला के जा क्या तनु राजा जी चुड़ी का प्यारे भगतों कवि लोबारी कलम नहीं गोगोजी महाराज की भी ही माँ नानी री जाया मने नानडियो के वे मने भानुडो के वे तुम्हारी करामात है जगी घट हिमादा आप ददरीवे चलो मैं गढ़ ददरीवे को राजा हूँ अगर गढ़ ददरीवे में जन्म लेऊंगा तुम्हारी करामात है जगी शेष गुणाई इसलिए आप गढ़ ददरी भी चालू माता पाचल अजला मजला रतने टोर गए और गढ़ ददरी में आवी गढ़ ददरी के गोर में आवे तो रतने जी देखियो नगरी गालो रतने वापिस धक्का देवन लाग जावे मेला से चाल गए दोनों राजा नेवर जेवरी भी आ जावे और बेली ने वापिस धक्काई लेकिन रथ वापिस नहीं मुड़े हाँ। अब सजनों गुरु गोरखनाथ जी महाराज माया फैला दी बेलिया की जगह दोनों राजा नेवर सेवर जुड़ भी जावे टग 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 मेला में रथ ने ले आवे नगरी अड़ा देख बोलिया महाराज इतनी बार तो माने का के अरे रथ ने पाछो काटो अब आप ले आया रथ ने हाँ। बोलियो भाई मारी समझो बार है गड़के कुछ हो रही अब सजनो माता बाचल ने मेला में ले जावे तो गोगजी महाराज रो जन्म होवे तो किसी वादी से नगरी रिमाई ने खुशी मनावे और क्या आगे की लीला चाय पी गए सुनावा अब जिन टेम रिमाई ने माता बाचल ने मेला में ले जावे तो श्री गोगजी महाराज रो जन्म होवे उन टाइम मायने किसी वादी से पूरी गढ़ ददरेवे में खुशी मनावे और की आगे की लीला बनवे सभी भक्तजन मिटी मिटी ताली बजाइयो अरे राजा जी वर के एक पांडुड़ो सूजन म्यो एक शायर पीर जन म्यो रे पाजिया सो बड़ी बड़ी दाली बजाओ हाथ बांध के नहीं बैठो अरे राजा जी वर के एक जायर पीर जन्मियो एक Thank you.
किशन चंद्र भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। इसी वादी से कवि लिखो राजा जोर के जिंटे मेरे मायने गोगोजी जन्मे तो साई बधाई सारे शहर में हुए घर घर मेरे मायने बधाई पड़े। बुआ जी सोने रो थाल मेला में बजा दियो सजनों जगी टेमरे मायने गोगाजी महाराज रो जन्म हुए पी टेमरे मायने राजा जोर की लमसम उम्र ही 50 तो एक आईडियो लगाओ दिखाना 50 साल लगा आदमी अड्डी दान संतान वजना कितनी खुशी हुए। हाँ। बहुत खुशी हुई पूरी नगरी रे मायने बधाई बांटी और घर घर रे मायने मंगलाचार होया। दूसरे दिन माता बाछले रे मायने गोगेजी महाराज ने झुलावी तो वही राजा बासक जगे किनो वो बच्चा उठा के लिया। राजा बासक सजनों से अवतारी हो और पतो चालियों के भी आपने जो को आपने कनु ले गया अपन जन्म ले लियो चलो देखा तो सही। अब वही बासक फोड़ के प्याला से बम्बी से बाहर आवे गोगोजी महाराज सुतिया बठे आगे पिंगे के मायने गोगोजी सुतिया बने झूला देवण लाग जावे। माता बाछल पास में बैठा जी नागराजन ने देखा माता बाछल रोन लाग गया कड़पण लाग गया। गोगोजी महाराज की भी माता प्रो क्यों माता बाछल की वे बेटा यो शेष ना गए और जद अन डंक लगा दियो तो बेटा नो नारायण की दीर्घ सत्यानाश हो जावे तू तो काल जन्मियों में। हाँ। माता बाछल कड़पण ला गया रोण ला गया गोगोजी महाराज की ही माँ आप रोना ही माता रोने कुगने की बात कोनी आप यहाँ काम करो दिल भी उदासी ना ले अगर देखो नहीं तो ए सर्प में नहीं ऐसा दो चार और वे नहीं तो थन नेत्रा बना दियो झगड़ मगड़ दहीड़ो बिलो। इती बात राजा बासक सुनी मन में गुस्से भरीज गए और गोगोजी महाराज का डंक लगा दियो डंक लगायो गोगोजी महाराज मोड़ के अंगूठी चूसन ला गया और जहर को सरो अमृत बनायो। जन कवि लिखो आठों अंधेरी का गोगोजी जन्मिया नन्नवा पीर दुकाया गोगाजी महाराज की जन्म कथा संपूर्ण है। बक्षी महाराज जोत करे नारसिंह दादे की दो जारी कड़ी के गई बोली जाहिर वीर महाराज की जय हो। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। नारसिंह दादे की कल कंती में कालिका कलकंदे में कालिका अरे तो दिली की भावन भी रूणी चे में राम दे मेडी में गोगा पीर आ गुरु गोरख ने मैं नावा दादा नारी शीरा अरे आओ ये खाड़े दादा नारे
सोग्यो दादा नार शीरांसा Yeah.
चालियो दादे गो साई सरे सगे चाले दादा दादा गो बच्चे को
खुशी हुई यारे निशान नहीं बाग निगारा सा तेरा युवा से है हाँ जी रे लागे युवा पचको शीशे सगे चालियो राजा पचको शीशे सगे दिल की घुरियारे निशान रे बागड़ गा राजा तेरा युवा अबे ओली गा लागे युवा हवारे हाँ दिल किसे सगे चालियो वो शिला मीटी बह गए हो यार ने बागड़ गा राजा तेरा युवा हाँ जी रे लागे युवा हवारे हाँ ये शिला मीटी बह बह सगे भूगी यो दादे को शिला मीटी बह से सगे जयकार नी वागड़ गा राजा तेरा युवा हाँ जी रे लागे युवा हवारे ढोल तेरू बाजे देखो सोवेना दादे का ढोल तेरू बाजे देखो तारा गुने गावे
बिजले अरे हाथ संगले श्री बावेरी बागड़ का राजा संगे चाले क्यों दादे को पूर्व से रे हाँ पूर्व से रे संगे चालियो दादे को पूर्व से रे अरे चालोर दुर्वेडी ने साये से रे लड़ने को आया हाँ और जिने चालो दुर्वेडी ने साये से रे लड़ने को आया गडेरी दीदी छोड़े देश बागड़ में आया ये अजला मजला संगे चाले क्यों दादे को अजला मजला रे हाँ अजला मजला संगे चालियो भगता को अजला मजला रे अरे चले संग दुर्मेडी ने जाय सेरे लड़ने को छोड़े हाँ नेसा बगे देखो घूमे ताजा ये ना नेसा बगे रे हाँ इन नेसा बगड़ लगा घूमे ताजा ये ना नेसा बगे रे अरे छड़िया को बाजे जिने कार से रे लड़ने को दी छोड़े देश बाहर गड़ दिली में संगे भूगी क्यों भगता को गड़ दिली मेरे हाँ गड़ दिली में संगो भूगी यो लायलो गड़ दिली मेरे रे संगड़ो लियो अपनी काय से रे लड़ने को संगे अटिकाय सेरे लड़ने को गडेरी पूर्व दीदी छोड़े अरे उलझो बैठो अकबर बादशाह बोले यूं सो बैठो रे उलझो बैठो अकबर बादशाह वो किवे उलझो भगतन ले वो भुलाय से रे लड़ने को ए भगतन ने वारे भुलाय से लड़ने को गडेरी पूर्व दीदी छोड़े आहा पूछो यो बैठो यकबरे बादशाह वो किवे पूछो बैठो रे हाँ